मैं यति वारिया कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश करने से आपकी सभी बाह्य राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा यह मैं बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं केवल पहली छह राशियां मेष वृषभ मिथुन करक सिंह और कन्या राशि की राशियों के बारे में ही बताऊंगा। इसके जो बाद की छह राशियां हैं तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, इन राशियों पर शुक्र के कन्या राशि में गोचर करने से क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं आपको कल दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज का यह मेरा वीडियो पहला पार्ट है और कल का जो वीडियो होगा वो दूसरा पार्ट होगा। इन दो वीडियो में मैं छह छह राशि के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा यह जो वीडियो है वह चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आपकी जन्म कुंडली में आपकी जो राशि आती है जन्म की उसी राशि के अनुसार अगर आप मेरा यह वीडियो देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह चंद्र राशि पर आधारित है। और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है ओम शुम शुक्र देवाय नमः यह अवश्य लिखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवग्रह में शुक्र को धन देने वाला ग्रह माना जाता है, जो कि हमारे जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। रूप यौवन आदि भी शुक्र के इन रूप और यौवन का कारक ग्रह भी शुक्र ही होता है। अगर कुंडली में किसी के शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है, बलवान होता है, तो जीवन में धन दौलत बेशुमार मिलती है। मान प्रतिष्ठा सम्मान रूप सौंदर्य निर्मल और कोमल संवेदनशील हृदय का स्वामी भी हो जाता है वह आदमी जिसकी कुंडली में शुक्र जो है बलवान होता है। और अगर कुंडली में शुक्र अस्त हो या नीच का हो या अशुभ युति में हो या अशुभ स्थान में हो या फिर किसी प्रकार से कमजोर हो तो जातक को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है और करता रहता है और अनेक प्रकार के संकटों से भी उनका जीवन गुजरता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा है तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करेगा, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है और अस्त है या नीच का है या अन्य प्रकार से किसी प्रकार से कमजोर है तो जो शुभ फल है उसमें थोड़ा बहुत कमी रहेगी। इसलिए आप अपनी कुंडली जो है किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं, और अगर शुक्र आपका कुंडली में कमजोर है तो उसका आप उपाय करें तो आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य बढ़ने वाला जो है ग्रह बढ़ाने वाला ग्रह है वह बलवान हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि की स्थापना हो जाएगी या फिर आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ना शुरू हो जाएगी। शुक्र ग्रह जो है अब अपने खास मित्र बुध की कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का जो है कन्या राशि में प्रवेश 24 सितंबर 2022 शनिवार को रात 8:51 पर होगा और शुक्र के इस कन्या राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी के शुभ भाव से निकलकर अशुभ भाव में शुक्र जो है प्रवेश करेंगे तो किसी के अशुभ भाव से निकलकर अब जो है शुक्र शुभ भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में यह देखना जरूरी होता है कि किस राशि के लिए शुक्र कैसा शुभ फल देगा और किस राशि वालों के लिए शुक्र का जो है अशुभ फल या फिर शुभ फल में कमी रहेगी। वैसे तो शुक्र हमेशा ही कहीं भी रहे शुभ फल ही देते हैं, वैसे तो अगर देखें तो हमेशा शुभ फल देते हैं, लेकिन अस्त होने पर और नीच का न होने पर ही ऐसा शुभ फल देते हैं। अधिक शुभ फल और किसी को कम शुभ फल भी देते हैं अगर कुंडली में बलवान हो शुक्र, और या फिर शुक्र जो है नीच का हो या अस्त हो या अन्य प्रकार से कमजोर हो तो थोड़ा शुभ फल में कमी भी करता है। अब मैं आपको इस वीडियो में शुरू करता हूं, पहली छह राशियों के बारे में बताऊंगा जिसमें मेष से कन्या राशि तक का पहला भाग बनाया है मैंने और दूसरे भाग में तुला और तुला से मीन राशि तक का जो है छह राशियों का मैं कल बताऊंगा। शुक्र की कन्या राशि में गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा यह सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने छह छह राशि के दो वीडियो बना दिए। एक वीडियो बनाने पर मैं ज्यादा डिटेल में किसी राशि के बारे में नहीं बता सकता था और वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सभी राशियों के लिए पूरा डिटेल में जानकारी दी है, इसलिए वीडियो बड़ा हो गया तो मैंने दो भाग में इसका बंटवारा कर दिया, दो भाग बना दिए, एक आज पेश कर रहा हूं एक कल आपके सामने पेश करूंगा। अब देखते हैं मेष राशि के ऊपर
क्या असर पड़ेगा जब शुक्र जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि वाले, आपके लिए शुक्र जो है दूसरे धन और कुटुंब स्थान का और सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी है और अब आपके छठे रोग रण और शत्रु स्थान में इसका गोचर हो रहा है। ज्योतिष में इस छठे भाव को शत्रु स्थान या फिर अशुभ स्थान माना गया है, इसलिए यह गोचर आपके लिए ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं में बढ़ोतरी करने वाला फल अधिक देगा। छठे भाव में अगर देखें तो यह अनुभव लगाया जाता है, छठे भाव से यह अनुमान लगाया जाता है कि अब आपको अपने कार्यस्थल पर या अन्य पारिवारिक आदि मामलों में बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। रोग, शत्रु, जॉब, विवाह में अलगाव और कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक शत्रु की बात है, आप उनसे जितना अधिक दूरी बनाकर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में व्यापार में आपको लाभ भले ही थोड़ा कम मिले, लेकिन आपका जो मन है वह थोड़ा उस वजह से विचलित हो सकता है। आप थोड़ा सा इस बात को समझें, व्यापार भले ही आज कम चल रहा है लेकिन आगे वापस गति पकड़ लेगा, इसलिए आप अपने ज्यादा विचलित ना करें, मन को शांत रखें, ज्यादा टेंशन ना पड़े। या कोई इस गोचर के दौरान आपका जो है नुकसान भी कर सकता है आदमी, जैसे कोई आपका व्यापार में उधार दिया वो पैसा नहीं दिया उसने, या किसी ने आपका एडवांस ले लिया और आपको माल समय पर नहीं भेजा, यानी ये सब आपके नुकसान की बातें होती है। कहीं भी अगर कुछ कमी आती है तो वो नुकसान माना जाता है। आपको हर दिन हर जगह और हर लेन देन में इस गोचर के दौरान बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर से किसी प्रकार की विवाद को इस गोचर के दौरान आपको टालना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई निर्णय उतावड़ में या फिर किसी बात को पूरा समझे बिना न ले। परिवार में भी कभी कभी कोई तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन में भी ऐसे ही मतभेद की स्थितियां सामना करना पड़ेगा आपको। संतान सुख ठीक रहेगा लेकिन प्रेम प्यार करने वालों को इस समय में तनाव का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी कोई बहुत अच्छा रहे ऐसा नहीं लग रहा है। बस इस गोचर के समय आप अपनी मान सम्मान की रक्षा प्राथमिकता से करें, यही आपके हित में रहेगा। वैसे इस शुक्र आपको जो है इस गोचर के दौरान यात्राएं अधिक करवाएगा, लेकिन मेरी सलाह है कि अगर जरूरी ना हो तो आप यात्रा को टाल दें और जरूरी हो वो यात्रा जरूर करें। हर समय आप सावधान रहें तो अच्छा रहेगा, उसका ध्यान रखें और बुरे को टालने की आप हमेशा कोशिश करते रहें तो ठीक रहेगा। शुक्र का छठे भाव में गोचर आपको भगवान आदि का स्मरण बराबर करते रहने से अनेक प्रकार के संकट जो है वह टल जाएंगे। अब मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप लगातार माँ लक्ष्मी जी की या फिर कुल देवी की पूजा अर्चना करते रहें और उन्हें भोग लगाते रहे, यह गोचर भी आपके लिए सुख शांति से बीत जाएगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शुक्र जो है आपकी राशि का स्वामी है और छठे रोग रण शत्रु स्थान का भी स्वामी है और अब आपके पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में इसका गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए अब एक नए रोमांचित करने वाले अध्याय को लिखने के लिए आया है। यह गोचर आपका अच्छा और सुफल प्रदान करेगा। पंचम भाव, संतान भाव, शिक्षा, प्रेम, प्यार, बुद्धिमानी और आगे बढ़ने के रास्तों को खोलने वाला होता है। अगर आप विवाहित हैं और आपकी संतान बड़ी है तो आपको संतान से कोई शुभ समाचार या संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने का वक्त आया है। अगर संतान के लिए पिछला समय अच्छा नहीं रहा है या नहीं बीता है तो अब उनके लिए समय अच्छा आया है। व्यापार व्यवसाय से धन लाभ होगा, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, पुराने का विस्तार कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में अब मजबूती आएगी, पढ़ने वाले समय पर इसका लाभ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग नवविवाहित है और संतान नहीं है तो इस गोचर में आप प्रयास करें, शुक्रदेव आपको संतान भी प्रदान करेंगे। पति पत्नी में आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा, पुराने विवादों से मुक्ति मिल जाएगी। प्रेम प्यार करने वाले अभी ये जो गोचर चल रहा है इसमें आप हवा में उड़ेंगे और प्यार भी आपका सफल रहेगा। कोई नया प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग है या आप किसी को प्रेम प्रस्ताव देने की सोच रहे हैं तो यह समय आ गया है, आप दे सकते हैं। इसके साथ ही इस गोचर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अविवाहितों के रिश्ते आसानी से अच्छी जगह बन सकते हैं और प्रेमी अपनी शादी करने की अगर सोच रहे हैं तो घरवालों से भी आप हाँ करवा सकते हैं या घरवालों के सामने बात करेंगे तो उनसे भी पॉजिटिव आपको रिजल्ट या बातचीत या
आंसर मिलेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह गोचर आपके लिए शानदार फल प्रदान करने वाला रहेगा। धन सम्मान सुख सब कुछ इस गोचर में आप भोग आसानी से कर पाएंगे। अब मैं वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता को आप दूध और चावल की बनी खीर का भोग लगाएं, जो है शुक्रदेव आपके लिए अच्छा फल देंगे। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्र 12वें खर्च स्थान का और 5वें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके चौथे सुख और माता स्थान में इसका गोचर हो रहा है। चौथा भाव जीवन में सुख भौतिक सुख सुविधाओं भूमि भवन वाहन ज्वेलरी नौकर चाकर आदि का होता है और अब आपके चौथे सुख स्थान में शुक्र का गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला और रहेगा। आपके जीवन के स्तर में अब सुधार होगा, नौकर चाकर का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन के मामले में जो अब तक उलझे हुए थे वह अब सुलझना शुरू हो जाएंगे। इस गोचर में आपको चल अचल संपत्ति का लाभ मिलने के प्रबल योग है। अगर आपके पास में अपना मकान नहीं है तो अब आपको अपना मकान लेने में आसानी हो जाएगी। भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल फल प्रदान करने वाला इस गोचर में रहेगा। व्यापार में व्यवसाय में आपके तेजी रहेगी और लाभ अधिक मिलेगा। परिवार की दृष्टि से अगर देखें तो अब परिवार में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाएगी। आपसी माहौल अच्छा और सहयोगात्मक बनेगा। भाई बहनों का साथ मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। मानसिक उलझनें दूर होगी। यात्राएं करने का मौका मिलेगा। पुरानी अधूरी इच्छाएं हैं वह भी इस गोचर के दौरान आपकी पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा, ऐसा मेरा ज्योतिषीय अनुमान है। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। शुक्रवार का व्रत करें और चावल का दान शुक्रवार के दिन करें तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए शुक्र जो है 11वें लाभ स्थान का और चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में इसका गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए अति शुभ फल प्रदान करेगा। शुक्र आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, इसलिए भाग्य का पूरा साथ आपको इस गोचर के दौरान मिलेगा। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, साहस छोटे भाई बहन इच्छा ऊर्जा उत्साह भ्रमण आदि का होता है। शुक्रदेव आपके हिम्मत को और जोश को बढ़ाएंगे। आपको अगर इस समय में कोई शत्रु छेड़ देगा तो आप उसको संपूर्ण रूप से नाश करके ही मानेंगे, ऐसा आपके अंदर हौसला रहेगा। जो आपके मित्र है वो आपके साथ में रहकर गर्व महसूस करेंगे। आपके विचार और आपके कार्य करने की शैली में अब निखार आएगा। आपको अपने आप के लिए समय मिलेगा जिसका आप भरपूर उपयोग करेंगे। परिवार में बढ़ोतरी और भाई बहनों में प्यार बढ़ेगा। व्यापार और व्यवसाय में दिनों दिन उन्नति होती रहेगी। आपको कहीं से अचानक धन मिल सकता है, कोई सहायता मिलने के योग प्रबल है। अगर विवाहित है आप तो आपका जीवन साथी आपके लिए पूर्ण सहयोग करेगा, साथ देगा और आप दोनों के बीच में प्रेम प्यार में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अविवाहित है तो जल्दी रिश्ता हो जाएगा। संतान सुख इस दौरान आपको भरपूर मिलेगा। अगर आप विवाहित है तो संतान सुख भरपूर मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। माता पिता का साथ मिलेगा। प्रेम प्यार में सफलता मिलेगी। नौकरी की तलाश भी पूरी होने के योग है। कुल मिलाकर अगर देखें तो शुक्र का जो गोचर है आपके लिए शानदार फल प्रदान करेगा। मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप कर्क राशि वाले लोग शुक्रवार को दूध का दान करें और लक्ष्मी पूजन नियमित करें। इसके अलावा अगर शुक्रवार के अलावा भी आप सोमवार को भी दूध का दान करेंगे तब भी आपके लिए शुक्र जो है शुभ फल प्रदान करेगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे और देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र जो है तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का स्वामी है और 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए दूसरे धन और कुटुंब स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह भाव धन वाणी परिवार शुरुआती शिक्षा का होता है और अब शुक्र जैसा शुभ ग्रह आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, यह तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अति शुभ फल आपको मिलेगा। आप तैयार रहें। अगर आप व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको इस गोचर के दौरान अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ नया फेरबदल भी होने का पूरा योग है या संभावना बनी है। नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में आपके मजबूती आएगी। खुलकर परिवार में आप खर्च भी कर सकेंगे। ये समय आपके घर में भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का है। घर में आधुनिक वस्तुएं आप ला सकते हैं। नया मोबाइल है, टीवी है, वाहन आदि कुछ भी ला सकते हैं। घर परिवार में आपके खुशहाली का दौर चलता रहेगा। सब आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगर आप विवाहित है तो प्रेम और गहरा होगा दोनों पति पत्नी के बीच में। अविवाहित है तो अभी रिश्ते खोजना आप शुरू कर दें तो जल्दी आपका रिश्ता हो जाएगा। अगर आप किसी से प्रेम प्यार में
रिश्ता रखते हैं तो आपसी दोनों की प्रेम प्यार करने वालों की जो समझ है वो बहुत गहरी बनेगी और दोनों साथ में घूमने फिरने का भी दोनों को अवसर मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं और संतान नहीं है तो इस समय में आपके लिए योग बहुत अच्छे हैं। परिवार को बढ़ाने के लिए आप प्रयास शुरू करें तो आगे इसका जल्दी शुभ समाचार मिलेगा, खुशखबरी मिल जाएगी, आपका लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शिक्षा में भी आपके लिए अच्छे योग हैं और अच्छे और बड़े जो पदाधिकारी होते हैं या रुतबे वाले लोग होते हैं इस गोचर के दौरान आपके संपर्क उनके साथ में बहुत गहरे बनेंगे, नए लोग मिलेंगे आपको और आप सबका स्वागत आप घर में करेंगे या आपके घर में बहुत ज्यादा अतिथि इस गोचर के दौरान आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, आप सबका स्वागत करेंगे, जोशीले अंदाज में करेंगे, खुश होकर करेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखें तो यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला रहेगा। मैं सिंह राशि वालों के लिए जो है उपाय बता देता हूँ। आप शुक्रवार को सफेद कपड़े किसी पवित्र संत को या पवित्र व्यक्ति को दे दें तो इससे क्या है शुक्र आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और नवमे भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपकी ही राशि में इसका गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद और उन्नति कारक रहेगा। आपके जीवन स्तर में अचानक से परिवर्तन का योग बन रहा है, कहीं से अचानक धन मिलने के योग बने हैं। व्यापार में व्यवसाय में लाभ मिलता रहेगा, कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। निजी हित के काम आप अब करना शुरू करें वह बहुत आगे जल्दी बढ़ेंगे। आपके रुतबे में वृद्धि होगी, नया पद मिलने के योग है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं और घर में भी कोई शुभ मांगलिक काम संपन्न करवा सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके घर में जन्मदिन का या कोई नौकरी लगने का या कोई नया व्यापार शुरू करने का या कोई वाहन खरीदने का या कोई मकान खरीदने की जैसी खुशी होती है वह खुशी आपको मिलने का योग है। या तो किसी के रिटायरमेंट होने से भी घर में खुशी होती है तो वह भी ऐसा कोई कार्यक्रम आपके घर में आयोजित कर सकते हैं। अगर आप विवाहित है तो प्रेम प्यार में डूबी जिंदगी का मजा लेते रहेंगे। अविवाहित है तो अविवाहित है तो विवाह आपका अति शीघ्र होने का योग बन रहा है। आप इस गोचर के दौरान खूब रोमांटिक मूड में रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, आपके हर कार्य में एक अलग अंदाज दिखाई देगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल रहेगा। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप बुधवार और शुक्रवार को सफेद चावल और मिश्री का दान करें, लक्ष्मी जी का पूजन नियमित करें तो बुध भी और शुक्र भी दोनों ग्रह आपके लिए सुफल प्रदान करेंगे। यह था आज के वीडियो में मेष राशि से कन्या राशि तक की 6 राशियों के बारे में जानकारी के बताया मैंने कि शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो इन 6 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगली जो 6 राशियां हैं उसके लिए मैं कल वीडियो पोस्ट करूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शुक्र देवाय नमः अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश करने से तुला राशि से मीन राशि के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो कल वीडियो में मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक जय जिनेन्द्र।